उत्तरांचल प्रशिक्षण संस्थान नैनीताल द्वारा आज एक व्यापक आपदा प्रबंधन जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसका उद्देश्य स्थानीय समुदाय को प्राकृतिक आपदाओं के प्रभाव को कम करने के लिए आवश्यक ज्ञान और कौशल से सुसज्जित करना था। यह कार्यक्रम कालसी के ब्लॉक सभागार के परिसर में आयोजित हुआ, जिसमें स्थानीय निवासी, सरकारी अधिकारी और आपातकालीन प्रतिक्रिया टीमों ने बड़ी संख्या में भाग लिया। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से भूकंप, बाढ़ और भूस्खलन जैसी प्राकृतिक आपदाओं के लिए स्थानीय समुदाय को तैयार करने पर जोर दिया गया, जो उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में आम है। कार्यक्रम की शुरुआत एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर ओम प्रकाश टोलिया के उद्घाटन भाषण से हुई, जिसमें उन्होंने आपदाओं से संबंधित मौतों और क्षति को कम करने में तैयारियों के महत्व पर प्रकाश डाला। डॉक्टर टोलिया ने कहा कि आपदा के बाद के पहले कुछ मिनट बहुत महत्वपूर्ण होते हैं और समय पर और प्रभावी कार्रवाई से जीवन बचाए जा सकते हैं। कालसी से इंद्रपाल सिंह की रिपोर्ट। इस कार्यक्रम का आयोजन यहाँ पर किया गया है, जनपद देहरादून के कालसी तहसील को हमने चुना है और इसमें लगभग 55 से 60 प्रतिभागिता हुई है, जिसमें ग्राम विकास अधिकारी, राजस्व निरीक्षक, आशा वर्कर, ANM, PRD के लोग, पुलिस विभाग के लोग, फायर विभाग के लोग सम्मिलित हुए हैं। और इसका मकसद यही है कि अगर हम पूरे उत्तराखंड की बात करें तो यहाँ पर आपदाएं निरंतर बढ़ती चली जा रही हैं और यहाँ पर कभी भी भूकंप आ सकता है, भूस्खलन आ सकता है, बादल फटने की घटनाएं ऊपर से हो रही है, तो इनसे, इन आपदाओं से कैसे बचा जाए, इनका न्यूनीकरण कैसे किया जाए, यही संदेश देने के लिए उत्तराखंड प्रशासनिक अकादमी नैनीताल यहाँ पर आई है। देखिए, उत्तराखंड प्रशासनिक अकादमी नैनीताल द्वारा 2 दिवसीय डिजास्टर के लिए एक ट्रेनिंग प्रोग्राम तहसील कालसी अंतर्गत आयोजित किया गया है, जिसमें ट्रेनिंग अकेडमी के जो ट्रेंड प्रोफेसर है उनके द्वारा ये प्रशिक्षण कार्यक्रम दिया जा रहा है। इसमें विभिन्न विभाग के जो कर्मचारी अधिकारियों द्वारा प्रतिभाग किया जा रहा है, क्योंकि आमतौर पर देखा गया होगा कि उत्तराखंड एक आपदा संभावित जो प्रदेश है और यहाँ मतलब आप देखते होंगे प्रत्येक वर्ष किसी न किसी रूप में आपदाएँ आती रहती हैं, तो उसी को दृष्टिगत रखते हुए चूँकि ये मैक्सिमम जो कार्यक्रम होते हैं आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा कराए जाते हैं, लेकिन इस बार उत्तराखंड प्रशासनिक अकादमी द्वारा भी इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है।